नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम लोग डालने वाले हैं सी टैट और यू पी टैट से रिलेटेड, जो हिंदी का पोर्शन है उसी से रिलेटेड आज 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको मैंने छाँट कर बनाया है, ठीक है। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है, भाषा का मुख्य कौशल है। ऑप्शन नंबर ए है लिखना या सुनना, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है बोलना, ऑप्शन नंबर डी है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, भाषा के मुख्य तत्व, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी संकेत, ऑप्शन नंबर सी चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो, क्योंकि ध्वनि जो है वो भी होता है भाषा का मुख्य, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी प्रादेशिक भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ, मातृभाषा का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर बी माँ की भाषा, ऑप्शन नंबर सी पिता की भाषा, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सी टेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने यू पी टेट की भी कई क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है, और ये सी टेट की दृष्टि से देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी भाषा कौशल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए बी एस ब्लूम, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन नंबर सी बी ओ स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी आई के डेविस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई के डेविस, ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट मैगर ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट मिलर ने, ऑप्शन नंबर सी बी एस ब्लूम ने, ऑप्शन नंबर डी बी ओ स्मिथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एस ब्लूम ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी
प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी समस्या विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 47, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी वाक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्द। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक गद्य, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सृजनात्मक गद्य। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा उपयुक्त सभी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक गद्य। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन नंबर ए उद्बोधन विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर सी स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए अर्थबोध विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर सी स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए व्याकरण की शिक्षण विधि पूछ रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन विधि। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे, सीटेट की दृष्टि से ये देखा जाए तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से मैं आपको यहाँ आज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूम में लगवाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, इससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।